హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జై హింద్. రోలీ ప్లస్ ఇండస్ట్రీ ప్రస్తుత కర్తా హై రోలీ స్ప్రే నెప్సాక్ పవర్ స్ప్రే మోడల్ నంబర్ R809. ఏ గవర్నమెంట్ సబ్సిడైజ్డ్ ఫోర్ స్ట్రోక్ హై ఆర్ ఇస్కా టెస్ట్ రిపోర్ట్ హై మేరే పాస్, జో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వ్యాలిడ్ హై సబ్సిడీ స్కీమ్ మే బేచనే కే లియే. అబ్ హమ్ యే వీడియో మే ఇస్ ప్రోడక్ట్ కా స్టార్టింగ్ ప్రోసెస్ ఆర్ ఇస్కా మెయింటెనెన్స్ చీజ్ కే బారే మే జానేంగే. काफ़ी लोग को इसका नॉलेज नहीं होता है. इसको स्टार्टिंग करते वक्त सबसे पहले क्या क्या करना है, तो सबसे पहले सर आप ये देख लीजिए कि ये पेट्रोल चैम्बर है. इसके अंदर आपको पेट्रोल डालना है. आपको जितना अच्छे उतना पेट्रोल डाल दो. ये 500 ml का पेट्रोल चैम्बर है. इसके बाद आपको इस पेट्रोल के अंदर टूटी ऑयल मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये फोर स्ट्रोक इंजन है. इसमें आपको ऑयल इंजन का इंजन ऑयल जो डालना है वो इधर डालना है. ये नॉब खोल के डालना है और ये नॉब खोल के इसके अंदर आपको 40-20 नंबर का ऑयल डालना है. रिपीट, इसके अंदर आपको 20W40 का ऑयल डालना है. और फिर आपको ये जो है कार्बोरेटर है, ये दिख रहा है, तो ये कार्बोरेटर को आपको प्रेस करना है. तब तक प्रेस करना है जब तक इसका पेट्रोल इसके अंदर से पास नहीं होता. आप देख रहे हो, ये ऐसा पास हो रहा है. देखिए, ये देखिए, ऐसा पास होने लगा पेट्रोल, तो मतलब आपका ये इंजन सेट हो गया. अभी लास्ट पॉइंट ये देखना है कि नॉब ऊपर है. इस नॉब को नीचे करके फिर आपको थोड़ा सा एक्सीलेटर जो है, ये जो लीवर बोलते हैं, वो एक्सीलेटर लीवर थोड़ा सा ऐसा रख के इसको आपको किक देना है. ऐसे केवल सिंपल सा किक देना है. तो ये देखो, आपका इंजन स्टार्ट हो गया. ये जो इंजन स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको इंजन को लो RPM और लो स्पीड पे फ्रेश जो है वो पहले चालू रखना है थोड़ी देर के लिए. और फिर जब तक ये इंजन राउज नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको चालू रखिए. लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको सर्विस रिलेटेड क्या क्या चीज़ को आपको ध्यान रखना है. सर्विस रिलेटेड के लिए आपको चार स्टेप है, केवल चार स्टेप. सबसे पहला स्टेप ये है कि इंजन के ऑयल चेंबर के अंदर 20-40 नंबर का ऑयल 80 ml डालकर आपको चलाना है. जब भी आप ये नया मॉडल लो, तब 80 ml का टॉपअप करके ही आपको चलाना है. दूसरा, हर 8 घंटे लगातार पंप चलने के बाद पुराना ऑयल चेंज करना है. पंप चलाने समय ग्रीस कप की एक एक चूड़ी आपको कसनी है. ये जो है ग्रीस कप की चूड़ी, ये आपको एक एक ऐसा कस देनी है दोनों बाजू से, ताकि आपका पंप का जो पिस्टन है वो पिस्टन फ्रीली घूमे. और लास्ट पॉइंट है, पीछे के पंप में 90 नंबर का ऑयल 50 से 60 घंटा चलने के बाद 150 ml से 160 ml तक बदलना है. मतलब ये आपका जो पंप है, इसके अंदर भी ऑयल लगता है. वो ऑयल आपको चेंज करना है, तो इसको आपको 150 से 160 ml इसको चेंज करना है 50 से 60 घंटा चलने के बाद. तो ये सब चीज़ का अगर आपने मेंटेनेंस केयर रखा, तो इस पंप का लाइफ काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो. और अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, तो ये शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए. ऑल फार्मर्स आर नीडेड. वी सपोर्ट इंडियन फार्मर्स. थैंक यू.